हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं तो अभी अभी जॉब से आया था, और मतलब नौकरी वोकरी से छुट्टी वुट्टी भी हो गई थी, तो बढ़िया चल रहा है सब कुछ। एक तो सुबह सुबह जाना पड़ता है, एकदम 5 बजे उठो, फिर तैयार हो 6 बजे तक, नहीं यार 5:30 तक तैयार होके जैसे तैसे, फिर खाना पीना खा के 6:45 तक निकलो, और फिर जल्दी जल्दी भागते भागते ऑफिस जाओ। और उस गली में जो कुत्ते हैं ना, मातर चूत, ऐसे कट जाता ना, गुस्सा चढ़ती है ना, ऐसे कि फाड़ के फेंक दो सालों वहीं पे यार। एक तो यहाँ के पता नहीं लोग कैसे अमीर हैं, बड़े बड़े घर हैं, कोठियां हैं, बंगला हैं, कारें खड़ी हैं, गेट खोल के रख देंगे, कुत्ते बाहर घूम रहे हैं साले, हम जैसे एम्प्लॉइज का आराना जाए। अभी आके हाथ मुंह धो धा के एकदम से मस्त रेडी हो गए, चिलअप हो गए, देख रहा हूँ यार मेरा कैमरा साला इतना घुसा हुआ क्यों रहता है, थोड़ा दूर से बुरा लगता है हमें ऐसे देखते हुए। अंधेरा बहुत है यार यहाँ पे, और प्लस ठंड तो इतनी है ना, फाड़ू फाड़ के रख दिए ठंडा है भाई, मजाक सेट कितनी ठंड है ना यहाँ पे गुड़गांव हरियाणा में, बहुत से भी ज़्यादा बोल रहे हैं कि शिमला मनाली वगैरह वगैरह इन जगह पर, हिमाचल प्रदेश वगैरह में इस बार बर्फ बहुत बर्फबारी हो नहीं रही है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पड़ रही है, सहनी पड़ रही है साले हमको, काट हमारी फट रही है यहाँ पर। वैसे इस बार ठंड कुछ ज़्यादा ही है, और लेट भी पड़ी हैं, तो मुझे लग रहा है लेट पड़ी हैं तो लेट तक रुकेंगी भी, देखते हैं कि कब तक रुकेंगी। अभी भी देखा, आया मैं कमरे में और ये देखो मस्त चिलअप कर रहे हैं, ये गेम वेम खेल रहे हैं, ये तो फ्री फायर का कीड़ा है। वैसे कुछ भी कह लो साला, 3 बार ऑफिस में रहो और उसके बाद जो घर आने की खुशी रहती है ना, वो अलग ही रहती है, और उससे भी अलग लेवल की होती है वो खुशी जब तुम्हारा वीक ऑफ हो कल का, जबकि मेरा नहीं है साला, मेरा तो कल ही निकल गया, और वीक ऑफ के बाद जैसे ही दूसरे दिन ऑफिस जाने की बारी आती, इतनी फटती है ना गुस्से में, दिमाग ख़राब होता है कि कैसे करें, शाम को ही फटने लगती है कि सुबह उठना है, फिर तैयार होना है, फिर जल्दी जल्दी निकलना है, ऑफिस जाना है, बकवास। ज़िंदगी में ना बस इतना अमीर बनना है कि कल के लिए सोचना ना पड़े, अब बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, पहले नौकरी फिर बिजनेस, धीरे 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 एक एक करके सीढ़ी पकड़ते रहो, चढ़ते रहो और चढ़ते रहो, और अकेले के लिए करना तो ये बहुत ही मुश्किल होता है। लाइक हमारे जैसे लड़के जो बाहर से आए, फिर पढ़ाई वढ़ाई शुरू से लेके पढ़ाई में घुसे रहो, उसके बाद नौकरी चाकरी में, उसके बाद फैमिली वगैरह सब ठप है यार, ये सोचना ही बेकार है कि हाँ कि हमें ऐश मिलेगी, शौक मिलेगी, कभी कुछ कर पाएंगे, ऐसा कुछ सपने सब देखते हैं, पूरा हर कोई नहीं कर पाता, बहुत लोग घिर के रह जाते हैं, कुछ होते हैं कि उस जाल को तोड़ के आगे निकल जाते हैं अपनी सोच को लेके, और बहुत सी चीज़ें होती हैं, बट देखते हैं। तो अपना भी है एक विचार कि भी देखते हैं उस पर अमल करके कि क्या होता है, बट फिलहाल तो यार नौकरी की सख्त ज़रूरत है, तो नौकरी ही चल रही है, पैसों वैसों की ज़रूरत है, फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सही करनी है, उसके बाद तो चलता ही रहेगा, है ना भाई। दाढ़ी वाड़ी पड़ गई है यार, बाल बाल तो एकदम फटे जा रहे हैं, ठंडों में डैंड्रफ इतना, साला नहाने का मन ना करता महीनों तक, अभी नहाया 15 दिन के बाद, बड़े बुरे हाल है भाई, बाहर तो ऐसी फट रही है ना जाते हुए, कपकपी सी छूट रही है, शरीर में झुरियाँ आ जाती हैं, झुरियाँ कंधे कहाँ रही है, आओ ना अभी तक लग रहा है, जब वादा जब ही मत आता है, सारे तो गेम गुम में लगे रहे, ऐसे भूख लग रही है, मैं थोड़ा सा खाना वाना खा लूँ, उसके बाद करता हूँ बात, अभी ऑफिस से आना तो अभी टाइम हो रहा है तुम्हारा, पता नहीं कितने बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, तो 6 बजे के बाद 7 बजे तक सोना है, 7-8 बजे तक, जल्दी से खाना लेट हो जाता है, तो मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, सो आई हैव टू ईट फर्स्ट, देन आफ्टर आई विल टेक सम रेस्ट। फेल दी अंग्रेजी चली गई, स्टॉक ख़त्म हो गया भाई अपना, तो यही था जो कुछ था बचा हुआ, वो भी निकल गया।